हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को. इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है एबीसीडी, इन विच एबी पैरेलल डीसी, एबी डीसी पैरेलल है. एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल डीसी, ये हमने लिख लिया जो गिवन इन्फॉर्मेशन है. और क्या दिया हुआ है? एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों डायगनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. इफ ए ओ इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, ए से लेके ओ तक ये लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर. AO इक्वल टू 3x माइनस 1, इसको हमने यहां लिख लिया AO इक्वल टू 3x माइनस 1. फिर दिया हुआ है OC इक्वल टू 5x माइनस 3, O से लेके C तक ये है 5x माइनस 3 और A से लेके O तक है 3x माइनस 1. फिर दिया हुआ है BO इक्वल टू 2x प्लस 1, BO इक्वल टू 2x प्लस 1 और OD, O से लेके D तक ये दिया हुआ है 6x माइनस 5. ये सारा इंफॉर्मेशन हमने यहां लिख लिया. हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच डायगनल्स ए सी एंड बी डी intersect each other at point O. Therefore, क्या हुआ? ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें दोनों डायगनल एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, AO upon OC, AO upon OC equal to BO upon OD. ये हम लिख सकते हैं BO upon OD. ये कोई बीपीटी थ्योरम नहीं है कि बीपीटी थ्योरम की वजह से हमने लिख दिया, ये कोई थ्योरम नहीं है. ये हमने एग्जांपल 18 में भी जस्ट दो क्वेश्चन पहले ये प्रूव किया है. क्वेश्चन 18 में, एग्जांपल 18 में यही था. एग्जांपल 18 में ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये कहाँ से आया. तो एग्जाम्पल 18 में हमने इसी चीज़ को प्रूव किया था कि किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर जो उसका डायगनल का रेशियो है, जो जहाँ पे डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी होगा. ये हमेशा होगा. इस रिजल्ट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ये रिजल्ट आया कहाँ से? ये बीपीटी थ्योरम के हेल्प से ही हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है. तो हम इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लेंगे, आगे कहीं भी ये यूज आ सकता है. किसी भी ट्रेपीजियम में AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD होगा. और क्यों होगा? तो इसका प्रूफ जो है वो एग्जांपल 18 में हमने सॉल्व किया है. ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ. देयरफॉर ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी. हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे. ए ओ के प्लेस पे हम लिखेंगे 3x माइनस 1, ओ सी के प्लेस पे आ गया 5x माइनस 3 और बी ओ के प्लेस पे आ गया 2x प्लस 1 और ओ डी के प्लेस पे आ गया 6x माइनस 5. अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको. 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3. तो ये हो जाएगा 3x इंटू 6x, ये हो गया 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 25 जो 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3. फिर यहाँ लिखते हैं 18x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर. फिर यहाँ पे माइनस 15 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 6 ये हो गया माइनस 21x और ये प्लस 5 इक्वल टू 10x स्क्वायर तो उधर चला गया, बच गया क्या? माइनस 6x प्लस 5x यहाँ पे आ गया इक्वल टू माइनस x और ये माइनस 3. अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 21x, ये माइनस x ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस x, ये प्लस 5 और ये माइनस 3 भी इधर आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0. 8x स्क्वायर माइनस 21 प्लस x ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल के हम इस इक्वेशन को छोटा बना लेंगे. तो 4 बाहर निकल गया, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0.
फिर ये हो गया 2x² - 5x + 2 इक्वल टू जीरो, फोर को हम इधर भेज देंगे जीरो के पास, तो खत्म हो जाएगा फोर। अब यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 4x - x + 2 इक्वल टू जीरो। तो 2x कॉमन आ गया, तो x माइनस टू और यहाँ माइनस कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में तो आ गया x माइनस टू और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे 1 है, इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो और 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, ये हो गया x इक्वल टू हाफ। तो x का दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हमें फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन अब कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों x का वैल्यू एक्सेप्टेबल हो, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, कंफर्म नहीं है, बिना अभी सॉल्व किए हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक बार x के वैल्यू को, ये जो दो वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को 2 को हम चारों में पुट करेंगे या ओरली चेक कर लेंगे, ठीक है। और एक बार इस x के वैल्यू हाफ को, तो अगर हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 2 6 - 1 5 आ रहा है तो ओके है। फिर 2 5 2 10 - 3 7 ये भी ओके, 2 2 4 4 + 1 5 ये भी ओके, 6 2 12 - 5 7 तो सारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ठीक है ओके। अब x इक्वल टू हाफ, अगर हम x का वैल्यू जो हाफ है इसको चेक करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो ए ओ का जो वैल्यू है 3x - 1, तो 3 × 1/2 - 1 तो ये हो गया 3/2 - 1, तो 3/2 = 1.5 - 1 तो ये आ गया 0.5, तो ये भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर हम OC में रख के चेक करते हैं, OC में क्या हो गया 5x - 3, तो 5 × 1/2 - 3 तो ये हो गया 5/2 का मतलब 2.5 - 3 तो ये आ गया -0.5, नेगेटिव नंबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी अगर एक में भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये x का वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 1/2 रखने पे जो OC का वैल्यू है वो नेगेटिव आ गया, और OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो x का वैल्यू हाफ है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करेंगे, ये उसका रीज़न हो गया, x का वैल्यू हाफ यहाँ पुट करने पे OC का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो बस x का क्या वैल्यू हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू फाइंड करना था, तो दो वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, x का वैल्यू सिर्फ 2 होगा।